सर नमस्ते। नमस्ते जी। तो सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम है जी डॉक्टर संदीप सिंह। मैं वकील न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। क्वीन न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि मैं घोड़ों की फीड या घोड़ों से रिलेटेड जितने भी जानवर हैं, जैसे मान लो ये दूसरे जानवर आ जाते हैं, जैसे गधे हैं, खच्चरे हैं, ठीक है, जो भी घोड़ों की फैमिली को बिलोंग करती है, अच्छा, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए। हल्के भारी सबों की डाइट बनाते हैं, इन्हों हम क्वीन कैटेगरी में डालते हैं। जो मेरी स्टडी है वो क्वीन न्यूट्रिशन और वेलबींग पे है। ओके। एक तो मैं उनकी डाइट के बारे में बताता हूँ और दूसरा भी उनका वेलबींग, उनका रहन सहन क्या होना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, इस पे मैंने स्टडी की है। ओके। और प्रोफेशनली मैं क्या हूँ कि मैं घोड़ों की फीड बनाता हूँ। ओके। ठीक है। अभी घोड़ों की फीड बहुत फैक्ट्रियों में बनती है, पर मेरा उनसे फ़र्क क्या है कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरा स्पीड में स्टडी है। घोड़ों की बैलेंस डाइट होनी क्या चाहिए, ठीक है, और जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली इंटरव्यू में भी कि घोड़ों की जो डाइट है, अगर हम उसे बैलेंस डाइट देते हैं तो घोड़ों की 98 से 99 प्रॉब्लम्स आती ही नहीं, आएगी ही नहीं। ओके। ये है। अब घोड़ों की डाइट है, जो घोड़ों की फीड है वो क्या है, कैसे बनती है, वो अब मैं आपको बताऊंगा। ओके। तो बाकी का सर ये जो है यहाँ पे जो अपना फीड वगैरह सब बनता है वो सेटअप है, ये है ना? हाँ जी। देखो हम अकेली बैलेंस के मान के चलो भी घोड़ों की फीड ही बनाते हैं, तो हमें कोई इतने बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। तो ये सिस्टम है, ये मिक्सर है, अच्छा, ग्राइंडर है, ये ग्राइंड करता है जो भी घोड़ों का रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं, जिसमें ओट्स आ जाती है, जैसे आपको मैंने बोला भी जौ जिसे बारले बोलते हैं, वो 4-5% आते हैं, उसके बाद उस सर्दी में बाजरा आ गया, ठीक है, मिलेट्स, और इसमें छोले। एक बात मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ कि घोड़ों में क्या होता है कि हम चने हैं जो हम पंजाबी में छोले बोल देते हैं, हम चने को बहुत प्रेफर करते हैं, चने को। हाँ, सुबह सुबह चना ही देते हैं हम। सोचने की बात है कि घोड़ों को चनों को क्यों प्रेफर किया जाए। अगर हम न्यूट्रिशन वाइज देखें तो चने में इतनी न्यूट्रिशन नहीं है। ओके। ठीक है। चने में सिर्फ 11-12% ही प्रोटीन होती है, बाकी उसमें कार्बोहाइड्रेट है। हमने पहले इंटरव्यू में बताया कार्बोहाइड्रेट घोड़ों के लिए अच्छी नहीं होती है। ओके। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चने मैं भी यूज करता हूँ फीड में 4-5%। चने को मैं सूखे मटर होते हैं ना पीस, उससे रिप्लेस कर देता हूँ। ओके। क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो 24% उसमें प्रोटीन है और 26% उसमें फाइबर है। ओके। ठीक है। इसलिए, और दूसरी जो चीज़ें हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, ये तो हमने और ओट्स मैंने आपको बता दिए। ओके। और इसमें हम दूसरे जो चीज़ें हैं, जैसे राइस पॉलिश होती है, राइस पॉलिश इसकी शाइन के लिए बहुत अच्छी है, शाइनिंग के लिए, ठीक है। और राइस पॉलिश जैसे आप बाजार से मिलती है वो राइस पॉलिश नहीं, हम जो राइस पॉलिश भी है, मैं उधर दिखाऊंगा आपको कि हम अपनी राइस पॉलिश भी खुद तैयार करते हैं। ओके। बाजार में जो आपको राइस पॉलिश मिलेगी ये सब रॉ मटेरियल होगा, ये सब रॉ मटेरियल है, जब रेडी है कैसे बनता है। ओके। जो बाजार में आपको राइस पॉलिश मिलेगी उसमें क्या होता है, उसमें मान के चलो भाई यहाँ से राइस पॉलिश बनती है। ओके। ये छोटा शैलर है, ये शैलर है, ये पॉलिशर है। ओके। इससे जो राइस पॉलिश नीचे आती है, अच्छा, यहाँ पे वो मैं उधर दिखाता हूँ आपको क्या होती है। इसमें जो बाजार में आपको मिलती है उनमें 14-15% ऑयल होता है। ओके। ठीक है। इसमें 22-23% जो तेल है इसमें होगा। अब राइस पॉलिश की पहचान कैसे करते हैं, मान लो आपने राइस पॉलिश कोई भी ले ली तो आपने दबा कर देखना है इसका। अगर लड्डू बनता है, ये लड्डू बन गया ना, अच्छा, हाँ। अगर लड्डू नहीं बनता तो मान लो उसमें तेल कम है। ओके। हमारी राइस पॉलिश में मान के चलो भी 21-22% तेल होता है। ओके। फिर उसमें सोया डीओसी यूज होता है, ठीक है, सोया डीओसी बहुत कंपनीज का आता है। सोया डीओसी की पहचान क्या है कि आपने सोया डीओसी का एक टुकड़ा लेना है। ओके। घोड़ों में कभी भी आपने सोया दाल यूज नहीं करनी, सोयाबीन आपने कभी घोड़ों में दाल नहीं यूज करनी। ओके। जो नेचुरली यूज करते हैं उसका प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें एक फीमेल हार्मोन होता है जो घोड़ों के लिए अच्छा नहीं है, वो घोड़ों का स्पर्म काउंट डाउन करता है। आप ये सोया डीओसी है, ये रोस्टेड होती है, ये यूज़ कर सकते हो। इसकी पहचान क्या है, बढ़िया जो सोया डीओसी कौन सा है, आपने सोया डीएस का एक टुकड़ा लेना है, उसे अपने जुबान पे रखो। ओके। जुबान पे रख के आपने कुछ टाइम देना है, अगर तो वो अपने आप डिसॉल्व हो गया तो वो असली है सोयाबीन, अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो मान लो उसमें मटर है, मिलावट है, ठीक है। फिर आगे ओट्स,
वैसे बेसिकली जो हम ओट्स या जमी जो जिसे बोलते हैं यूज करते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, वो ऑस्ट्रेलियन ओट्स यूज होती है। ऑस्ट्रेलियन ओट्स ओके। पर हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ओट्स इतने नहीं मिल पाते। ओके ठीक है, कुछ टाइम होता है, बहुत फसल बहुत कम है, तो नेचुरली जो हमारे देसी ओट्स आती हैं वही हम यूज करते हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों ने क्या किया घरों पे ना, जो फीड तो प्रोफेशनल फीड या जो नहीं डालते तो वो घरों पे उन्होंने एक मशीनें लगाई हुई हैं, वो दाने को प्रेस करते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। ठीक है, वो सोचते हैं भी इससे घोड़े का हाजमा दुरुस्त होता है, वो कभी नहीं होगा। okay. क्योंकि जब भी घोड़े को आपने जो अनाज देना है, मैंने आपको पहले तो बोला सूखा दो, और दूसरा जो अनाज है उसका दलिया बना कर दो। दलिया कैसे भी आप एक तो दलिया हम खाते हैं वो होता है कि दाने को आपने दो फाड़ या तीन फाड़ कर लेना है। ओके ठीक है, अब हम दाने को प्रेस करेंगे जब तो वो जो था उससे भी सॉलिड पार्ट बन गया। ओके ठीक है, अगर आप दाने को दो फाड़ या तीन फाड़ या चार फाड़ कर लेंगे तो वो डाइजेशन में इजी हो जाएगा। ओके इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है, जो भी ग्रेन्स जैसे ओट्स हैं, बारले है, और दूसरा ये मिलेट्स जो बाजरा है, ठीक है, यूज होते हैं, ये सारे हमारे दो या तीन फाड़ किए होते हैं। ठीक है, और इसमें बाद में हम नमक डालते हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा, ये आयोडीडाइज नमक डालते हैं, इसमें टॉक्सिन बाइंडर डालता है, मैं उधर दिखा एक बार फीड दिखाओगे सर वो जो है। फीड उधर बढ़िया, अब इसमें थोड़ी सोया चूरी भी डालती है, फिर इसमें ये रॉ मटेरियल है, जैसे ये तो ये आ गया सोया चूरी हो गई है। अच्छा अच्छा, यानी सारा रॉ मटेरियल ये आपने तैयार कर रखा है, फिर बाद में मिक्सिंग के लिए इसमें मशीन में इसमें मिक्सिंग होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये नमक हो गया, नॉर्मली नमक है आयोडाइज जो नमक होता है। अच्छा अच्छा, ये जो अपन और जो चने हैं, चने को हमने इस फॉर्म में कर लेना। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बारीक कर दिया करके, ये बिल्कुल बारीक नहीं हो सकता, जैसे मान के चलो भी थोड़ा हल्का बहुत खड़ा सा होता है, बारीक चीज घोड़े को कभी नहीं देना। ठीक है, अब ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा जो इस फॉर्म में आ जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ओके ठीक है, जैसे ये ग्रोअर फीड है ये, अब देखने में तो अडल्ट और ग्रोअर में कोई फर्क नहीं होगा। ओके, पर इसमें जो न्यूट्रिशन है जो ग्रोअर की वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान से अगर देखो तो एक एक चीज आपको मतलब जैसे चने हैं, ये जैसे ओट्स हैं, आपको एक एक चीज दिख रही है, दिख रही है। ठीक है, यही घोड़ों के फीड होते हैं, जो गाय और भैंस की फीड है वो पाउडर फॉर्म में होगी। ओके ओके, घोड़ों की फीड थोड़ी खड़ी होती है, यानी कि थोड़ी सी मोटी रहती है। मोटी रहती है, जैसे जैसे मैंने आपको पहले बोला भी जितने भी हम ग्रेन्स यूज करते हैं वो जो दो फाड़ या तीन फाड़ करते हैं ना, तो इस फॉर्म में आएंगे, वो इसमें मिक्सिंग हो जाएगी। ओके, अब इसमें क्या है, जो भी ग्रेन्स है या जो भी रॉ मटेरियल हमने आपको अलग दिखाया है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये चीजें पड़ी है, ये टॉक्सिन बाइंडर है। अच्छा अच्छा, टॉक्सिन बाइंडर का मतलब क्या होता है कि घोड़ों को जो भी फीड में अगर टाइम ज्यादा पड़ी रहे, कोई मॉइस्चर, किसी ने खुली फीड छोड़ कोई दिक्कत नहीं आए, बढ़ जाए फंगस पड़ जाती है, अगर टॉक्सिन बाइंडर पड़ा होगा तो कभी भी घोड़ों को फंगस नहीं आएगी। ओके ठीक है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। उसके बाद ये घोड़ों के ट्रेस मिनरल्स हैं। ठीक है, देखो एक बात और बताता हूँ, घोड़ों के मिनरल्स हैं जो विटामिंस हैं वो कैटल से डिफरेंट होते हैं। ओके, ज़्यादा भाई क्या करते हैं, जो कैटल को मिनरल डालते हैं वही घोड़ों को डाल देते हैं। और कैटल के मिनरल्स में क्या फ़र्क होता है मिनरल मिक्सचर में, कि उसमें चार चीज़ें चिलेटेड होती हैं। ओके, जिंक है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है और कॉपर है, ये चारे चीज़ें घोड़ों को टॉक्सिक हैं। ओके ओके, ये मतलब नहीं भाई इनको घोड़ों को डालनी नहीं, जितनी परसेंटेज कैटल को चाहिए उससे बहुत कम घोड़ों को चाहिए। ओके, इसलिए जो कैटल के मिनरल मिक्सचर हैं वो घोड़ों में ना यूज़ करो। बिल्कुल ठीक है, और इसमें जो डीसीपी यूज होता है, डीसीपी क्या होता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ओके ठीक है, ये फॉस्फोरस का सोर्स है, और इसमें कैल्साइड यूज होता है, कैल्साइड कैल्शियम का सोर्स है। तो सर अगर बात करें टोटल, जैसे कि एक फीड में टोटल कितने प्रोडक्ट डालते होंगे कम? मैं डालता हूँ, देखो गर्मी और सर्दी में थोड़ा फर्क होता है। अब जो सर्दी में डालते हैं उसमें 17 से भी हो जाते हैं, 18 भी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, इतनी चीजें हम मिलाकर फीड बनाते हैं। ये फीड है तो नॉर्मली सबके पास मिल जाएंगे, पर इसमें फर्क क्या है भी, इसमें कला जो कलाकारी क्या है कि हमें मालूम है भी कौन सी चीज कितनी डाल, कितने परसेंटेज डालनी है। मैं फीड की एक गारंटी देता हूँ, जो मेरी फीड मैं बनाता हूँ, कि अगर आप मेरी फीड डालते हो तो ओवरऑल ग्रोथ तो होगी हो, आपको 10 दिन बाद जानवर बताने लग जाएगा। सर जैसे कि मैंने सर एक चीज़ और सुनी है फीड के बारे में, कि बहुत सारे ब्रीडर वगैरह भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये फीड
यानी कि आप दोगे तो इससे घोड़ा क्या है कि हेल्थ पकड़ जाता है पर उसका विकास नहीं हो पाता, तो क्या ये बात सही है क्या? नहीं देखो, फीड की जो पहले हम बात कर रहे थे, मुझे बाकी फीडों का नहीं मालूम, मैं अपनी फीड की बात करता हूँ अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग। हम बैलेंस फीड की बात कर रहे हैं शुरू से। फीड दूसरे बनाते हैं क्या डालते हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं जो फीड बनाऊंगा, मैं तो आपको पहले ये बता चुका हूँ कि अगर आप मेरी फीड डालते हो तो आपको कोई प्रोडक्ट डालने की जरूरत नहीं। मैंने बात बोली है ना, कोई मिनरल मिक्सचर, कोई विटामिन्स, कोई तेल, कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ आपको डाल के दे ही रहो, ठीक है। और जो ओवरऑल हेल्थ का मीनिंग क्या है कि उसका पूरा विकास हो, ठीक है, ग्रोथ भी होगी। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जो भी मेरी फीड यूज करते हैं, जैसे पंजाब के बहुत बड़े स्टड फार्म हैं जिन पे फीड जाती है, वो दूसरी बार लेने इसलिए आते हैं अगर उनको कोई रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट मिलेगा, जब ही आएगा, रिजल्ट नहीं होगा तो दोबारा क्यों आएगा आदमी लेने? और इसमें जैसे जो कंप्लीट फीड है, जैसे प्रोटीन जितनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जितनी चाहिए, फैट जितनी चाहिए, फाइबर और मिनरल्स और विटामिन जितने चाहिए, प्रोटीन सब इसमें है। वो तो चलो लोगों को तो इतना समझ में नहीं आएगा, पर ये कि वो आप अपने हिसाब से भाई क्या चाहिए वो सब सेटलमेंट करके देते हो। और एक बात जो मैं हम बीच में काटी थी वो थी, अगर ये फीड कोई डालता है बैलेंस जो मैंने आपको दिखाई है, तो इसमें पहले क्या होता है कि जैसे आपने लेमनाइटिस की बात की थी या पोर्ट की बात की थी या पानी की बात की थी, पहले हफ्ते में भी वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। पोर्ट का कोई इलाज नहीं, किसी के पास नहीं है। मैं बोलता हूँ मेरी फीड डालो, 7 या 8 दिन में पोर्ट ना खत्म हुई। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आ गई ग्रोथ। देखो एक मैं और चीज बताता हूँ कि अगर आपने घोड़ा रखा हुआ है उसको फीड डाल रहे हो आप, उससे घोड़े का विकास नहीं होगा, उसको आपने प्रॉपर एक्सरसाइज भी करानी है। इतनी भारी डाइट देकर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करो, पेट तो बड़ा कर जाएगा कोई पर मसल नहीं पड़ेंगे। आप उसे 2 टाइम जैसे सर्दी है उसे प्रॉपर एक्सरसाइज कराते हो तो नेचुरली 10 दिन में या 15 दिन में 2 वीक्स में आपके सामने रिजल्ट आने लगते हैं। ओके, ठीक है। ये ओवरऑल हेल्थ का मैं बता रहा हूँ। जैसे आप खुरों की सूंघ की बात की थी, उसकी डेवलपमेंट की बात भी करता हूँ, उसकी हाइट की, इसकी लेंथ की, यानी सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा। देखो जी सीधी बात है, जिस घर में मेरी फीड जाएगी उस घर में डॉक्टर नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। दूसरी बात, हाँ एक्सीडेंटल कोई चीज हो जाए, कोई चोट लग जाए वो अलग बात है, जो बीमारियों की बात की थी वो पैदा नहीं होगी। हाँ, बांध की, कॉन्स्टिपेशन की, जो लूज मोशन की, सरा की, ठीक है। अब सरा की बात मैं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं सरा इससे कैसे ठीक हो जाती है। देखो मेन चीज क्या है कि अगर घोड़े का इम्यून सिस्टम, बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसमें, तो सरा वगैरह कोई बीमारियां वो टैकल कर जाता है। ओके, वो बीमारियां टैकल कैसे होगी अगर उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिले। बिल्कुल, सीधा फंडा है। तो सर अगर हम बात करें इसके डाइट के रेट की, अब तो क्या है, कितना क्या रेट है? देखो जो ये ग्रो डाइट है वो हम हमारी फैक्ट्री से 3200 केजी का दे रहे हैं, मतलब 50 केजी का ये बैग है। अच्छा, बैग की जो कीमत है वो 1600 रुपए है। 1600 रुपए यहाँ से। ओके, पर हम कहाँ आगे भेजते हैं कहीं पे, तो उस पे वो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पड़ जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट का अलग लगेगा। ओके, ये हम यहाँ से देते हैं। अब इसकी डाइट देनी कितनी है, डाइट है जो ये 3 किलो, आप जो 1 साल से कम है उसे देनी है आपने 3 किलो। 3 किलो, हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि आपने उसे 3 टाइम देनी है, किलो 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 किलो, 3 टाइम, दो सुबह दोपहर शाम। और जो साल के ऊपर जानवर हैं, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो प्रेग्नेंट मेयर्स हैं, या कोई एंड्योरेंस हॉर्स हैं, उनकी जो डाइट है वो है 4 किलो पर डे। 4 किलो में 1.5 किलो सुबह दें, 1.5 किलो शाम को, 2 किलो दोपहर टाइम। ओके, इसको आपने अकेला डालना है, किसी हरे चारे कुछ कुछ नहीं डालना इसके साथ, भूसे के साथ, किसी तूड़ी के साथ नहीं डालना। ओके, और इसमें ज्यादा क्या करना है कि आप छोटा ग्लास पानी का लो आधा, इसके ऊपर अपने छिड़क लेना है। अच्छा, इसके बीच में नहीं डालना। अच्छा, यानी बस पानी का छिड़काव कर देना, छिड़काव करना है। छिड़काव भी क्यों करना है कि घोड़ा अगर जब खाता है तो वो फराटा मारता है नाक से हवा निकल, तो वो फीड उड़ती वो है, फीड के उड़ के नाक में चली जाती इसके, है, वो उड़ेगी नहीं। ओके, अगर आप उसमें ज्यादा पानी डालोगे, जो मैंने मिनरल्स विटामिन्स वगैरह डाल कर दिए हैं, टॉक्सिनमाइंडर कैल्साइट है या यीस्ट है, तो वो डिल्यूट हो जाएगी, डिलीट हो जाएंगे, डिल्यूट होकर नीचे आ जाएगी, वो असर नहीं जा पाएगा उसमें। बस ये कि थोड़ा सा पानी इसलिए छिड़क दे कि उसकी नाक में ना जाए, बाकी का कुछ डालने की जरूरत है ही नहीं। एक मेन बात डाइट में अलग मैं बताता हूँ कि एक मैं तेल भी तैयार करता हूँ, तो घोड़ों को सब तेल देते हैं। ओके, जैसे मेरा तेल क्या है, वो 4 या 5 चीजों का बना हुआ है, उसमें ग्रोथ प्रमोटर डाले होते हैं, उसमें 4 या 5 चीजें हैं जैसे जो घोड़ों में यूज होते हैं। घोड़ों वाले तो ज्यादा सरसों का तेल देते हैं, है क्या आपके पास? हाँ, मैं देता हूँ। ओके, ठीक है। घोड़ों वाले ज्यादा सरसों का तेल है, वो घोड़े वाला है प्रदीप जी, ये तेल है जो हम बनाते हैं,
जैसे आम घोड़े वाले हैं जो वो सरसों का तेल ज्यादा देते हैं, पर मैं इसमें सरसों का तेल यूज करता हूँ, जो काली सरसों है वो नहीं यूज करता। ओके। इसमें पीली सरसों होती है, टोटली ऑर्गेनिक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और इसमें तारा मीरा एक बोलते हैं हमारे, उसका तेल है, तारा मीरा। और इसमें जो मुरिंगा सोहंजने का तेल है इसमें, ठीक है। और इसमें अलसी का तेल हो जाता है। ओके। और अब एक सर्दी में हम इसमें हालियम बोलते हैं, उसका तेल भी आ जाएगा। और इसमें मुरिंगा पाउडर और एक ग्रोथ प्रमोटर हम इसमें डाल कर देते हैं। इसकी डोज क्या है, ये एक तो 100% नेचुरल है। ओके। कोई भी इसमें केमिकल नहीं, मिलावट नहीं है। इसकी जो डोज है वो 50 ml से 100 ml है। ओके। अब तेल देने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि तेल देना कैसे है। तेल एक तो बिल्कुल एंड में दो, यानी कि फीड वगैरह सब कुछ देने के बाद में, एंड में जब घोड़ों को मान लो भी रात को हमने उसको कुछ और नहीं देना तो एंड में दो। मान लो अगर आप छोटा घोड़ा से 50 ml देते हैं, बड़े को 100 ml देते हैं, तो आपने क्या करना है, ये कनक का जो गेहूं का चोकर नहीं होता, चोकर ले लो थोड़ा सा इतना सा, तो उसमें ये 50 ml या 100 ml डाल लो। okay. उसके ऊपर आपने गुड़ की शक्कर होती है ना, शक्कर, हाँ गुड़ की शक्कर आती है, वो डाल लेनी है 2 मुट्ठी। okay. तो उसे अच्छी तरह मिलाकर उसके लड्डू बनाओ। okay. वो लड्डू घोड़े को फीड करो। सीधा तेल, सीधा तेल घोड़े पी जाते हैं, पर सीधा तेल मैं नहीं प्रेफर करता अभी दो। उससे क्या कारण है कि मान लो अगर रात को घोड़ा खुल गया, उसने पानी पी लिया, तो सीधा उसे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, निमोनिया वगैरह हो जाता है। ओके। ठीक है, अगर आप लड्डू बनाकर देंगे, एक तो उसका गला साफ करता जाएगा, अगर वो फिर पानी तो इसके बाद भी नहीं देना, अगर वो पानी पी लेगा तो इसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मेरा तेल है, इसमें आम तेल में क्या बोलते हैं, अभी तेल से एसेंशियल फैटी एसिड घोड़े को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 6, इसमें ओमेगा 9 भी है। okay. बहुत लोगों ने ओमेगा 9 सुना भी नहीं होगा। तो सर क्या कीमत है इसकी तेल की अभी? इसकी तेल की कीमत है 200 रुपए का लीटर है ये। 200 रुपए का एक लीटर? ओके। ठीक है, बहुत सस्ता प्राइस है। अगर आपने किसी को 50 ml देते हैं मान लो आप, तो मान के चलो भी ये तो 20 दिन की खुराक है। खुराक है, ठीक है। और पर डे वो 10 रुपये है। 10 रुपये है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था कि जब घोड़े को मान लो भी कॉन्स्टिपेशन हो गई, बांध पड़ गया, तो आपने कभी भी उसे तेल नहीं देना। ओके। तो हम क्या करते हैं, जो लोग क्या है वो तेल देना शुरू कर देते हैं घोड़े को, सरसों का तेल देंगे भी, उसके अंदर नरमाई करेगा तो वो जो बांध पड़ा है कॉन्स्टिपेशन खुल जाएगी। ये जो तेल है, जितने भी तेल है, ये तो घोड़ा अब्जॉर्ब करता है, इससे तो और चीज खराब होगी। okay. अगर कॉन्स्टिपेशन है तो घोड़ों की कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के, बांध ठीक करने के लिए आपने मिनरल ऑयल यूज करने है। मिनरल ऑयल होते हैं। okay. ना जो मिनरल ऑयल ऐसे हैं जो धरती से निकलते हैं। okay, okay. उसमें लिक्विड पैराफिन भी है, ग्रेसलीन भी है, और जैसे इंजन ऑयल भी है, ये भी मान लो भी आ सकता उसका है। मतलब क्या है कि घोड़े का पेट उसे अब्सॉर्ब नहीं करता, वो नेचुरली उसके बाहर निकालेगा। okay. सबसे बढ़िया और सबसे छोटा इलाज जो आपको कॉन्स्टिपेशन का है, जब आपको लगे घोड़े को बांध पड़ गया, तो एक हमने बचपन में बच्चों को देते हैं, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ओके। तो हर दवाई वाली दुकान से मिल जाएगा, वो आपके घर लगा कर रखो। ओके। ठीक है, उससे होता क्या है कि आपने जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब आपको लगे घोड़े को प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो आपने बड़े घोड़े को 90 ml, छोटे घोड़े को 60 ml, ओके, 80-90% चांस है कि उसी से घोड़े का कॉलिक या कॉन्स्टिपेशन ठीक खत्म हो जाएगा। ओके। और कभी भी घोड़े को आपने जो दूसरे तेल है मिनरल ऑयल के बिना, वो नहीं देना कॉन्स्टिपेशन। ओके। ठीक है, और एक होम्योपैथी में मेडिसिन आती है, नक्स वोमिका। ओके। घोड़े को किसी तरह की पेट की प्रॉब्लम हो तो नक्स वोमिका 200 पोटेंसी, यानी दर्द वगैरह के लिए। हाँ, पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो। okay. चाहे लूज मोशन है, चाहे कॉन्स्टिपेशन है, चाहे दर्द हो रहा है, या कोई गैस भरी हुई है पेट में, ठीक है, या बद हजमी है घोड़े को, तो आपने क्या करना है, नक्स वोमिका रखनी है आपके पास, नक्स वोमिका 200 पोटेंसी में लेनी है। ओके। तो 10 बूंदें उसकी जीभ पे डाल दो। ओके। अगर वो जीभ पे नहीं लेता तो आपने एक रोटी लेनी है, चपाती होती है, चपाती को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, चौथा हिस्सा लेकर उसके ऊपर 10 बूंदे डालो, वो बना के घोड़े को दे दो। वो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो 1-1 घंटे बाद 10 बूंदे देते रहो, अगर कोई ज्यादा बड़ा घोड़ा उसको 15 बूंदे भी दे सकते। ओके। ठीक है, मैं 100% लेकर देता हूँ कि आपके पेट की जो प्रॉब्लम है 1-2 घंटे में खत्म हो जाए। ओके। नक्स वोमिका के मिरेकल रिजल्ट है घोड़ों। ठीक है जी। तो सर अगर कोई बंदा अगर फीड या तेल लेना चाहे तो क्या है अपना इस फैक्ट्री का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? हाँ जी, मेरे नंबर पे मैं डील करता हूँ ज़्यादा, मेरा नंबर है 9915631419।
ओके, यानी कोई भी बंदा चाहे तो इस पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं पंजाब में तो लोकल जाती है, जैसे मेरी फीड गुजरात महाराष्ट्र में भी जाती है, राजस्थान में जाती है, वो जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होंगे मैं यहाँ से बुकिंग करा दूंगा। ओके, वो उनके जो प्रॉपर सिटी है वहाँ पे उनको मिल जाएगा। तो सर कोई फोन करने का कोई टाइमिंग भी है क्या बंदा इसने? देखो फोन करने का क्या है, सुबह 9 बजे से लेकर आप मुझे रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हो। ओके, जो फैक्ट्री टाइमिंग है हमारी सुबह 7 से रात 8 बजे तक है, अगर किसी ने यहाँ आकर लेना है तो ले जा सकते हैं। तो इसका लोकेशन है वो मैं फोन पे बता दूंगा अभी कहाँ पे लोकेटेड है। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में हमारा गांव है छोटा सा। ओके, जयपुरा दुराहा के पास लोकेटेड, दुराहा के पास, ठीक है, वो नेशनल हाईवे पे सिर्फ 500 मीटर दूर है। तो दोस्तों जो भी बंदा लेना चाहता है वो कांटेक्ट कर सकता है, पर एक बात का ध्यान रखे कि कोई बंदा रात के 12 बजे वीडियो देख रहा था, ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे फोन लगा दे, है ना। तो इसलिए मैं आजकल बहुत सारे वीडियो में नंबर नहीं डालता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते भी कि सर नंबर डाला करो, वो नंबर डालने का यही कारण है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सर ने जो टाइमिंग बताया उसी टाइमिंग में कॉल करें। थैंक यू सर, धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए।